नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जन्मदिन के लिए इस तरीके का एक प्रोफेशनल पोस्टर डिजाइन करना सिखाएंगे, जैसे कि भी सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। दोस्तों इस तरीके का प्रोफेशनल पोस्टर आप अपने स्मार्टफोन से बनाकर यहाँ पर अपना फोटो लगा सकते हैं और फोटो के नीचे अपना नाम और मोबाइल नंबर बिल्कुल आसान तरीके से डाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरह का पोस्टर अपने मोबाइल फ़ोन से बिल्कुल आसान तरीके से डिजाइन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, पोस्टर को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है पिक्सल लैब। ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन में पहले से नहीं है तो आप इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। तो चलिए हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले सिनेटेक्स को आपको यहाँ से हटाना है। इसे हटाने के लिए बस आपको यहाँ पर देखिए इस डिलीट वाले बटन पर एक बार क्लिक करना है और आपको यहाँ से देखिए इस ओके के बटन पर एक बार क्लिक कर देना है, जिससे सिनेटेक्स हट जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखिए इस वाले बॉक्स पर एक बार क्लिक करना है और आपको इस साइड स्क्रॉल करना है। यहाँ से देखिए आपको फ्रॉम गैलरी दिख रहा होगा, आपको फ्रॉम गैलरी पर एक बार क्लिक करना है जिससे आपके फ़ोन की गैलरी ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों आपको अपने फ़ोन के गैलरी में से आपको इस इमेज को चूज कर लेना है और आपको यहाँ से देखिए इस टिक वाले साइन पर एक बार क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर इमेज आ चुकी है। इस इमेज को हमने पहले से डिजाइन करके रखा है क्योंकि आपको पोस्टर बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। इस इमेज को कहाँ से डाउनलोड करना है वो हम आपको इसी वीडियो में आगे बताएंगे। उससे पहले आप सीख लीजिए कि इसमें फ़ोटो कैसे लगाना है और नाम और मोबाइल नंबर किस तरीके से डालना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फ़ोटो लगाना है। फ़ोटो लगाने के लिए आपको यहाँ पर देखिए इस प्लस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है और यहाँ से देखिए आपको फ्रॉम गैलरी दिख रहा होगा, आपको फ्रॉम गैलरी पर एक बार क्लिक कर देना है जिससे आपके फ़ोन की गैलरी ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों आपको अपने फ़ोन की गैलरी में आ जाने के बाद आप जिस भी फोटो को लगाना चाहते हैं वही फ़ोटो चूज कर लेना है। अब दोस्तों इस तरीके से आप इसे क्रॉप कर लेना है। आप अपने फ़ोटो को इस तरीके से क्रॉप कर लीजिए, इस तरीके से देखिए जैसे हम कर रहे हैं। इसी तरीके से क्रॉप कर लेने के बाद आपको यहाँ से देखिए स्टिक वाले साइन पर एक बार क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर फोटो आ चुका है। अब इस तरीके से इसे थोड़ा बढ़ाना है, बढ़ाकर आपको यहाँ से अपने हिसाब से एडजस्ट कर देना है। देखिए दोस्तों जैसे हम कर रहे हैं इसी तरीके से आपको अपने हिसाब से सही से एडजस्ट कर देना है। देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा फोटो यहाँ पर बिल्कुल सही से एडजस्ट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है। नाम डालने के लिए आपको यहाँ से देखिए इस प्लस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है और आपको टेक्स्ट पर एक बार क्लिक करना है। इस टेक्स्ट को नीचे लाना है, इस पर डबल टैप करना है। इस पर डबल टैप करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम डाल देना है। जैसे हम दोस्तों डाल रहे हैं इसी तरह से आपको अपना नाम डाल देना है। नाम डाल देने के बाद आपको ओके के बटन पर एक बार क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर नाम पड़ चुका है। इसे इस तरीके से बढ़ाकर आपको यहाँ पर सही से एडजस्ट कर देना है। अब आपको यहाँ से देखिए इस ए पर क्लिक करना है। ए पर क्लिक करने के बाद इस साइड स्क्रॉल करना है। यहाँ से देखिए आपको कलर वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। इसमें से आपको व्हाइट कलर चूज कर लेना है और आपको यहाँ से देखिए स्टिक वाले साइन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ से देखिए ए बी फॉन्ट पर एक बार क्लिक करना है और आपको यहाँ पर देखिए बहुत सारे फॉन्ट देखने को मिल जाएंगे। इसके फॉन्ट को आपको यहाँ से चेंज कर देना है और आपको यहाँ से देखिए स्टिक वाले साइन पर एक बार क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर नाम भी पड़ चुका है। अब आपको यहाँ से देखिए साइड स्क्रॉल करना है और आपको कॉपी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। देखिए दोस्तों नाम की कॉपी हो चुकी है। इसे नीचे लाकर इस पर डबल टैप करना है। अब दोस्तों इस नाम को हटाकर आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर कुछ इस तरीके से डालना है जैसे हम यहाँ पर डाल रहे हैं। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है और आपको यहाँ से देखिए इस ओके के बटन पर एक बार क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर भी पड़ चुका है। अब आपको इस साइड स्क्रॉल करके आपको फिर से कॉपी पर एक बार क्लिक करना है। देखिए दोस्तों इसकी कॉपी हो चुकी है। इसे नीचे लाना, इस पर डबल टैप करना है। अब दोस्तों आपका जो भी जन्म की तिथि है वो तिथि आपको यहाँ पर डाल देनी है। जैसे दोस्तों हम डाल रहे हैं इसी तरीके से आपको यहाँ से अपनी जन्मदिन की तिथि यहाँ पर टाइप कर देनी है और आपको यहाँ से देखिए इस ओके के बटन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों आपको इस जन्मतिथि को आपको इस तरीके से ऐसे करके आपका जो भी जन्मदिन की तिथि है उस तिथि को आपको इसमें फ्रेम में सही से एडजस्ट कर देना है। अब आपको इस साइड स्क्रॉल करना है और आपको कलर वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है और इसके कलर को आपको यहाँ से चेंज कर देना है और आपको यहाँ से देखिए स्टिक वाले साइन पर एक बार क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों इस तरीके से आपका पोस्टर बनके तैयार हो जाएगा। अब इस पोस्टर को फोन की गैलरी में सेव करने के लिए आपको यहाँ से देखिए शेयर वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है और आपको यहाँ से देखिए सेव टू गैलरी पर एक बार क्लिक कर देना है, जिससे ये पोस्टर आपके फोन की गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।